नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और अपने इस विषय को कहीं ना कहीं अपनी कल्पना में सोचा होगा कि जो चित्र भारतीय फिल्म फेस्टिवल है ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है। आजकल कोई भी चीज़ आती है तो पहले सवाल उठता है कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है और क्या होगा। तीन सवाल मैं समझ सकता हूँ। देखिए उनका तो गिर गया। आप सब जानते हैं कि मैं पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में 1961 फर्स्ट बैच का स्टूडेंट हूँ, जहाँ मैंने एक्टिंग की शिक्षा प्राप्त की, डिप्लोमा ऑफ सिनेमा लिया। मैं ऋतिक घटक साहब का शिष्य था, वो दो साल मेरे टीचर थे वहाँ पर पुणे इंस्टीट्यूट में। उससे पहले मैं दिल्ली में था, बीकॉम करके वहाँ गया था। उसके बाद जो मेरी यात्रा है, आज समझ लीजिए 50 साल की यात्रा, 50 ईयर्स, वो एक्टिंग में रही, फिर बॉम्बे आया, सीखा मैंने। 3-4 साल एक्टर रहा, 4-5 साल स्क्रिप्ट राइटर रहा, 4-5 साल फिल्म डायरेक्टर रहा, फिर प्रोड्यूसर बना। और फिर प्रोड्यूसर जो है, अब मैं 40 साल से प्रोड्यूसर हूँ, डायरेक्टर हूँ, राइटर हूँ, एक्टर नहीं हूँ। इस यात्रा में मेरे सामने बहुत सी सामाजिक समस्याएं आई, क्योंकि कहानीकार होने के नाते आप यही सोचते हैं कि एक तो कहानी लिखनी है, लेकिन कहानी के अंदर एक गंभीरता होनी चाहिए। अब गंभीर कहानी को मनोरंजक रूप देके बनाना मेन सिनेमा का काम है। मेन स्ट्रीम सिनेमा का मतलब यही है कि जब आप कोई संदेश, कोई विचार, कोई दृष्टिकोण अगर आप मनोरंजक तरीके से बता सकते हैं और आम ऑडियंस में पहुंच सकते हैं, आवाम आदमी में गांवों तक जा सकते हैं और बता सकते हैं, तो वो सफल एक मेन स्ट्रीम सिनेमा माना जाता है। जब वो 3 इडियट हो, या कोई भी अच्छी फिल्म हो, देशभक्ति की हो, प्रेम की हो, मानव कल्याण की हो। तो उसके बाद मैंने 18-19 फिल्में बनाई, जिसमें से 14 मेरी ब्लॉकबस्टर थी, आपके सामने है सफल में। जब मैं फिल्में बना रहा था तो उस वक्त जब आप बनाते चले जाते हैं, आपका कुछ संबंध आवाम से होता चला जाता है, क्योंकि आप आवाम को जानना चाहते हैं कि भारत कहाँ बसता है। और बार बार मेरे दिमाग में हमेशा बात रही कि भारत गांव में बसता है, जो गांधी जी ने कहा था। और भारत है क्या, भारतीयता है क्या, इस सामाजिक रूप से ही मैंने अपना विश्लेषण किया, कहानियाँ लिखी और उसी कहानियों के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया। और मैं ये समझता हूँ कि समय बदलता गया, हर दशाब्दी में सिनेमा बदला, लोग बदले, मूल्य बदले, विचार बदले, विचारधाराएँ बदली, एक चीज़ नहीं बदली, वो रही कि हर भारतीय के दिल में भारतीय होने की इच्छा, और आप में भी है, हमें भी है, हमेशा रही। लेकिन भारतीयता है क्या, हमें इस माध्यम से कैसे बताएं, इस ऑडियो विजुअल के माध्यम से, इस सिनेमा के माध्यम से। जो भारतीयता है वो हजारों साल पुरानी भी है, सैकड़ों साल पुरानी भी है, आज भी है और कल भी रहेगी, 20वीं सदी की भी है, 21वीं सदी की भी है। समय बदलता चला गया और हम भारतीय इतिहास और पुरानी माइथोलॉजी से जुड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जब हम संस्कृति की बात करते हैं, तो संस्कृति के बाद मैं ये समझता हूँ कि जो अच्छी अच्छी बातें थी पुराने ज़माने में, चाहे वो सैकड़ों साल इतिहास में रही हों, चाहे वो माइथोलॉजी में रही हों, चाहे हमारे शास्त्रों में, पुराण शास्त्रों में रही हों, उसमें जितनी भी अच्छी बातें जो विवेकी राइटर्स ने लिखी, विचारक थॉट लीडर्स ने लिखी, वो आज हमारे लिए मुहावरे बन गए हैं, प्रवर्ब बन गए हैं, वो हमारे लिए मार्गदर्शन बन गए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि सिनेमा का भी जब रूप बदला तो फिर शॉर्ट फिल्म भी आई। पहले डॉक्यूमेंट्री बनती थी सिनेमा के साथ, हम लोग देखते थे, अगर आपने देखा होगा सिनेमा हॉल में उस वक्त 15-20 मिनट की,
भारत की योजनाओं के बारे में, सरकार की एफडी की डॉक्यूमेंट्री करती थी, उससे थोड़ा सा हमको ज्ञान मिलता था कि भारत में क्या हो रहा है। कि आज 21वीं सदी बिल्कुल बदल गई, हमने कुछ 3-4 साल पूरी आगे आ गए, मानव जाते ही आ गया। जो 20वीं सदी के लोग हैं वो 21वीं सदी में नहीं, जो 21वीं सदी के लोग हैं वो 20वीं सदी में नहीं। इसलिए आप देख सकते हैं कि माँ बाप में और बच्चों में कितना अंतर है, आपके बच्चों में कितना अंतर है आपका। तो ये विषय एक बहुत सोचने वाला है कि क्या हम छलांग लगाएं या कदम स्टेप बाय स्टेप आगे जाएं, कदम कदम से चले। वो तो चलते रहे लेकिन दुनिया कहाँ पहुँच गई, विश्व कहाँ पहुँच गया और हम कहाँ खड़े हैं। जैसे आप मीडिया की इंटेलिजेंसियाँ हैं, आप अपने दृष्टिकोण से लिखते हैं, बताते हैं लोगों को, सच्चे दिल से बताते हैं आप, वैसे हम लोग कहानीकार हैं, हम अपने भी सच्चे दिल से बताते हैं हमारा ये दृष्टिकोण है। और सिनेमा किसी का, और सिनेमा में एक डेमोक्रेटिक आर्ट है। सिनेमा को ऐसा नहीं कि खाली सिनेमा एक ही दृष्टिकोण से बनाया जाता है, 15 फिल्म मेकर एक बात को 15 तरीके से कह सकते हैं और उन्हें हक है कहने का। तो मैं ये समझता हूँ कि जब मैं सिनेमा पैदा हुआ, बड़ा हुआ, एक प्रश्न मेरे दिमाग में हमेशा था, मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं 6वीं क्लास में था, यहाँ मैं पढ़ता था दिल्ली में SB हाई सेकेंडरी स्कूल, उसमें गई थी, तब हमने एक फिल्म देखी थी यहाँ पर, मैंने बचपन में, उस पिक्चर का नाम था 10 कमांडमेंट्स, अगर आपको याद हो। तो 10 कमांडमेंट्स एक बहुत बड़ी विशाल फिल्म थी जो जिसने दुनिया को हिला दिया था। और हम भी बच्चे लोग गए वहाँ, हमें पता लगा कि जो 10 सिद्धांत हैं मोसेस के, क्रिश्चियनिटी के, वो क्या हैं। पूरी मनोरंजक फिल्म थी, वो बड़ी फिल्म थी, लेकिन वहाँ हमें उसका परिचय हुआ कि ये जो विदेशी लोग हैं ये क्या सोचते हैं, कैसे रहते हैं, अमेरिका कैसे रहता है, यूरोप कैसे रहता है, और ये क्रिश्चियनिटी के सिद्धांतों को क्यों मानते हैं। ये जब मैं 6वीं क्लास में था तब मेरे दिमाग में आया, लेकिन तब से एक सवाल और आज तक है मेरे दिमाग कि हमने उनकी फिल्में तो देखी, उनको तो जाना, कभी ऑस्कर से कभी यहाँ से, क्या हमने अपनी फिल्म भेजी? क्या भारत ने ऐसी कोई फिल्म बनाई जिसमें कि पूरे विदेश, पूरा विश्व जाने की भारत ही है? मैं आपको एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि आज मौका मिला है आपसे बातचीत करने का, कि 1982 में एक फिल्म रिलीज हुई थी गांधी, और गांधी के डायरेक्टर थे रिचर्ड एटनबर्ग। 82 से पहले भी मैं विदेशों में जाता था घूमने के लिए, सीखने के लिए, तो मैं जानता हूँ कि हमारे हिंदुस्तानियों को, भारतीयों को, वो लोग इतना अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे, इतना सत्कार आदर नहीं था, सोचते थे बेचारे गरीब देश से हैं, चलो इनको लाइन में खड़ा कर दो, और हमें हमेशा लाइन में खड़ा करते थे। जिस दिन पिक्चर गांधी रिलीज हुई, उसके 2 महीने के बाद मैं अमेरिका गया लॉस एंजल्स में, वहाँ से उतरा एयरपोर्ट से, और उन्होंने मेरा पासपोर्ट देखा, पासपोर्ट पे लिखा था सुभाष घई फिल्म डायरेक्टर। तो जो इमिग्रेट ऑफिसर था वहाँ का अमेरिकन, तो उसने देखा तो मुझे पूछते हैं, हैव यू मेड गांधी? आई सेड नो, गांधी बिलोंग्स टू इंडिया बट आई एम इंडियन डायरेक्टर बट आई हैव नॉट मेड। What a film and what a country India was, ऐसा कर वहाँ से मेरे दिमाग में आया कि हमने आज तक बताया ही नहीं कि हमने भारत क्या है। जब उसने कहा कि चप्पा लगाते हुए मेरी तारीफ की और बोला आइए, और उसके बाद मैंने देखा कि जितने भारतीय और हिंदुस्तानी थे उनके आदर होने लगा। आज तो इंडिया का बहुत आदर है, आज हिंदुस्तानी का बहुत आदर है, लेकिन आपने 70s 80s में कभी देखा होता तो आपको पता होता कि कितना फर्क हो गया है। तो हमारा जो डायलॉग है, हमारा जो संवाद है, हमारा जो प्रतिकरण है, हमारा जो प्रदर्शन है, वो तो हुआ ही नहीं। सब आप पूछते हैं कि वो ऑस्कर क्यों नहीं आता सिनेमा में, कैसे आएगा? हम उनकी कॉपी करके, उनकी फिल्में बना के हम उनको दिखाएंगे तो कैसे आएगा? जब हम अपने भारतीय कल्चर की, भारतीय हिस्ट्री की, भारतीय लोगों की, भारतीय जनता की फिल्में दिखाएंगे तो भी दोनों समझ आ गया कि इस तरह के लोग रहते हैं।
अगर लाइफ इज ब्यूटीफुल को मिला तो उनको इटालियन को मिला, इटली लोग इटालियन लोग ऐसा सोचते हैं। गांधी पिक्चर को सब अवार्ड मिले थे, 9 के 9 अवार्ड्स गांधी को मिले थे ऑस्कर के, लेकिन वो हमने नहीं बनाए थे, वो एक ब्रिटिश डायरेक्टर ने बनाए थे। हमने जब बनाई लगान तो हमने भारत के लिए बनाई, भारतीय लोगों की फिल्म बनाई और हमें लगान का स्थान मिला। तो आप देखिए कि हमारा सिनेमा और हमारा ऑडियो विजुअल जो भी टेक्स्ट में है वो विश्व के कंपटीशन में कहाँ है, बहुत पीछे हैं हम। तो ये प्रयास तो हम सबको करना है, किसी न किसी तरीके से सामाजिक प्रयास है ये कि हम अपने भारत का दर्शन, भारत के बारे में उनको बताएं। क्यों ऐसा नहीं हुआ कि हम 100 साल के 125 साल के सिनेमा में हमारे में से किसी ने एक फिल्म कृष्णा के ऊपर नहीं बनाई? कृष्णा इज वन ऑफ द मोस्ट ग्लोरियस कैरेक्टर एंड टाइमलेस कैरेक्टर ऑफ एनी ड्रामा, ह्यूमन ड्रामा। सबसे बड़े दुनिया के एपिकल ड्रामा रामायण महाभारत हैं, उनके ऊपर कौन सी ऐसी सिनेमा नहीं बनी जो 10 कमांडमेंट से आगे चली जाए, जो गांधी से भी आगे चली जाए? क्योंकि हमें प्रोत्साहन नहीं मिला, हमें ये बताया नहीं गया कि हम बना सकते हैं, हम कर सकते हैं, और हम कर सकते हैं। और आज की जनरेशन 2011 के बाद, 2001 के से पहले अलग जनरेशन थी, 2001 से लेकर 2011 की जनरेशन अलग थी, 2011 से लेकर 2020 तक की जनरेशन अलग है, 2020 से लेकर 2030 की जनरेशन अलग होगी। हर 10 साल के बाद जनरेशन चेंज होगी, उनका मानसिक विकास, उनका कलात्मक विकास हो रहा है, बिकॉज टेक्नोलॉजी ने पूरे विश्व को एक कर दिया है। आज सोशल मीडिया के थ्रू, आज नेट के थ्रू सबके पास जनरल नॉलेज आ गई। अब नॉलेज आ गई है लेकिन इंटेलिजेंस नहीं है, ये ज्ञान नहीं है कि हम अपनी कहानी बताएं कैसे। मालूम तो है हमें लेकिन कहानी को कैसे बताया जाए, कोई तो माध्यम मिलना चाहिए। खाली पॉलिटिकल डिबेट करते रहेंगे या पॉलिटिकल एग्जीबिशन करते रहेंगे उससे नहीं चलेगा। चलेगा ये जिस वक्त आप प्रेम से अपने नाटक, अपनी कहानियों के थ्रू बताएंगे कि हम ऐसा सोचते हैं, ये हमारा देश है, एक बहुत खूबसूरत देश था, है और रहेगा। पहले बहुत मिट्टी थी, अभी थोड़ा थोड़ा साफ हो गए, आगे जाके साफ होगा, क्योंकि इसके अंदर जो इसके अंदर की संस्कृति है, हेरिटेज है, वो बहुत सॉलिड है। आज भी हमारे पास 10,000 कहानियाँ ऐसी हैं जो अभी तक एक्सप्लोरेट नहीं की गई। पता है आपको 10,000 कहानियाँ हैं जो आज तक सुनाई नहीं गई किसी को। हमारे वो राइटर्स हैं जो भाषा थे, जो दूत वाक्य में लिखी जिन्होंने, जो कालिदास थे, जो सूरदास कविताएं लिखी। आज क्यों नहीं है हमारे पास कालिदास, आज क्यों नहीं है हमारे पास व्यास? आप बताइए, क्या हम कमज़ोर जनरेशन है? हमारे बच्चे क्यों नहीं हैं? हमारे में से क्यों नहीं व्यास निकला कि एक और एपिकल लिखे? ये भी प्रश्न हमारे दिमाग में आना चाहिए। हमारे में से तो चाहिए हमारे बच्चों, अगर हम नहीं कर सके हमारे बच्चे तो करें। तो इसीलिए जब ये ऐसे प्रयास होते हैं, कभी भी सामाजिक या फिल्म सोसाइटी के या कहीं से प्रयास होते हैं, मैं हमेशा उसमें अपना योगदान देने की कोशिश करता हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा जिस वक्त भी भारतीय चित्र साधना लोग मेरे पास आए कि हमें आपको एडवाइजरी बोर्ड में रखना है, हम ये प्रयत्न कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति और भारतीय कहानियाँ, भारतीय कथाएँ, इंडियन एथोस, इंडियन फैब्रिक्स के इश्यूज़ के ऊपर एक छोटी छोटी फिल्में बनाएं। हम बच्चों को प्रोत्साहित करें कि इस तरह की सोच में जो फिल्म बनाएंगे, उस अच्छी सोच में जो हमें विश्व को दिखा सकें, एक दूसरे को प्रचारित फिल्म नहीं बनाएं। कहानियों के द्वारा हम बहुत सी चीज़ें बताते हैं कि ये देश कैसे सोचता है। वो उसलिए हम ये प्रयास शुरू किया, मैंने इसका सत्कार किया और मैं आज आभारी हूँ इनका कि इन्होंने मुझे इस तरह मान दिया कि सुभाष जी आप आइए, अगर आप कुछ हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो अच्छा होगा। पर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं आपको कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इस तरह यहाँ स्पेस दिया। लेकिन इसका जो पूरा तात्पर्य है, अगर आप समझें इसको, आप किसी और नज़र से मत देखिए, एक ही नज़र से देखिए, सामाजिक संगठन की तरफ से आया हुआ एक प्रयास, एक ऐसा प्रयास जिसमें शुद्धता है, जिसमें भविष्य है हमारे बच्चों का। अगर वो है तो हम सबको इसको प्रोत्साहन देना चाहिए,
ये प्रेरणा बनाना चाहिए कि छोटी छोटी फिल्में बनाओ, 2 मिनट की 5 मिनट की कविता लिखो, गाना करो, पेंटिंग दिखाओ, एवी बनाओ, शॉर्ट फिल्म बनाओ, म्यूजिक बनाओ, जुड़ जाओ और लोगों को बताओ कि हम ये हैं। आज नहीं, 10 साल 15 साल 25 साल 20 साल आ जाएगा, लेकिन प्रयास तो हो। आज बच्चे क्या कर रहे हैं, हमारे वेस्टर्न को कॉपी कर रहे हैं। आपके 70% प्रोग्राम टेलीविजन के जो हैं वो बाहर से कॉन्सेप्ट लिए जा रहे हैं, है ना? आप देख रहे हैं, चाहे वो इंडियन आइडल हो चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, क्यों नहीं हमारे भारतीय सोचते हैं? हमारे पास एक ही प्रोग्राम है हमारे भारतीयों का, वो है अंताक्षरी, और नहीं तो ये उनकी कलात्मक बुद्धि विकसित करना हमारा काम है। और इसी प्रयत्न से जब मैंने फिल्में अपनी एज ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर बनाई, तब मैंने सोचा कि मैं कॉर्पोरेट कंपनी खोलूंगा और ऐसा फिल्म स्कूल खोलूंगा मीडिया और एंटरटेनमेंट के लिए। और मैंने स्कूल खोला जिसका नाम रखा मैंने व्हिसलिंग वुड्स इंटरनेशनल। आपके सामने 2006 में खोला था, आज 2018 में 2019 में आज हमारे पास 1200 बच्चे पढ़ते हैं जो कि क्रिएटिव आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स के बारे में शिक्षा लेते हैं, 2 साल से लेकर 3 साल तक, डिग्री भी है, डिप्लोमा भी। मैंने अपना सब कुछ फिल्म मेकिंग छोड़कर इस फिल्म स्कूल में व्हिसलिंग वुड्स में लगा दिया ताकि आने वाले बच्चे ये सोचें कि हम हिंदुस्तानी फिल्में बनाएंगे। आप टेक्नोलॉजी लीजिए वहाँ से, आप नैरेटिव लीजिए, लेकिन अपना नैरेटिव रखिए, नैरेटिव हमारा होना चाहिए। हम कब तक रहेंगे उसी बात से, कब तक एंग्लोसाइज ही रहेंगे हम? कहीं ना कोई दिशा तो दिखाने वाला होना चाहिए। और ये सब एक हमारा समाज का कर्तव्य है सर, ये किसी गवर्नमेंट का, किसी पॉलिटिकल पार्टी का कर्तव्य नहीं है, ये हम सबका कर्तव्य है कि हमारे बच्चे जो हैं वो विश्व में अपना नाम कमाएं और अपने भारत के बारे में बोले कि भारत वाकई वो देश है जो हम सोचते हैं, सब देखते हैं जिसका। यही मेरा तात्पर्य था और मैं कोशिश पूरी करूँगा जितना योगदान मेरे स्टूडेंट्स दे सकते हैं आपको, हमारे टेक्नीशियंस। आज हमारे 1500 स्टूडेंट्स हैं एलुमनाइज, जो 1500 से 2000 तक मैं कहता हूँ, जो पूरी बॉम्बे की मीडिया इंडस्ट्री में छाए हुए हैं, सब अच्छे अच्छे पोजिशन पर हैं। 10 साल में हमने 2000 बच्चे जो हैं भेज दिए हैं उस इंडस्ट्री को, कर चुके हैं और करना है। और आज सोशल मीडिया के माध्यम से छोटी फिल्में बहुत पॉपुलर हैं, अच्छी छोटी पिक्चर को लाइक्स मिलते हैं, आइडियाज हैं, कॉन्टेंट क्रिएट करो। बट कंटेंट जब क्रिएट करो तो किस दृष्टिकोण से करो, यही प्रयास है। और मैं मुबारकबाद देता हूँ एंड विश यू ऑल द बेस्ट, आपको बहुत बहुत मेरा शुभकामनाएं एंड बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।